नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज मैं दो बीमारी पर एक दवा बताने वाला हूँ। आपके सर में दर्द है, आप डॉक्टर के पास जाकर परेशान है, तो ये दवा यूज करके आप सर दर्द का इलाज कर सकते हो। आपका कभी भी सर दर्द नहीं करेगा। इस पेड़ के 10-12 पत्ते लेके हाथों पे मसलना है और इसका जूस निकालना है। जूस निकालने के बाद आपको सोना है और नाक में एक एक बूंद डालना है। नाक में 2 बूंद डालने के बाद आपको अंदर की ओर खींचना है। लेकिन याद रहे दोस्तों, अगर आपका सर दर्द एक साइड दुख रहा है तो उसी साइड एक बूंद नाक में डाल के अंदर की ओर खींचना है। अगर तुम्हारा सर पूरा दुख रहा है तो दोनों नाकों में 2 बूंदे डाल के अंदर की ओर खींचना है। आपका सर दर्द ठीक होगा और आपको कभी भी सर दर्द नहीं होगा। इससे थोड़ा नाक में जलन होगा, लेकिन दोस्तों आपको डरना नहीं है, आयुर्वेदिक दवाई इससे कुछ नहीं होगा। अब ये पहले बीमारी पर दवा बताए, अब दूसरे बीमारी पर दवा बताने वाला हूँ और वो बीमारी कौन सी है वो भी बताता हूँ। दोस्तों आपको दूसरी बीमारी धूप से होती है। आप सोच रहे हो धूप से कैसे बीमारी होती है, मैं आपको आज बताने वाला हूँ। आप धूप में घूमने जाते हैं या आप सारा दिन धूप में काम करते हो, आप ज़्यादा धूप में बाइक चलाते हो और आपको पेशाब करते समय दर्द होता है और जलन भी बहुत होती है। ये वनस्पति उस पर बहुत लाभदायक है दोस्तों। उस पर यूज कैसे करना है वो बताता हूँ। आपको क्या करना है, इसके 5-6 पत्ते लेकर मुंह में चबाना है। मुंह में चबाकर इधर उधर घुमा के आपको थूकना है। अगर पेट में गया तब भी कोई डरने की बात नहीं, ये आयुर्वेदिक है दोस्तों। ये दवा खाने में तीखी है। ये दवा आपको मुंह में चबा के थूकने के बाद आपके मुंह में तीखा हो जाएगा, उसी से आपके से पेशाब करने से दर्द होता है और ठीक होगा। आप क्या करते हो दोस्तों, जो लाइक सब्सक्राइब बोलते हैं आप उसी के वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते हो। कभी हमारे भी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दो। इस दवा के और भी 2 गुण हैं, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।